खबरों की सिटी बेन शर्मा स्पीक। मैं कौशल शर्मा और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हम त्रिकोटा नगर, छन्नी, नानक नगर, जो आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पर हम घूमे और वाटर कूलर जो थे वहाँ पे लगाए हुए और सबका सुध-बुध जानी, लेकिन काफ़ी व्यवस्था ख़राब है। जितने भी वाटर कूलर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सारे के सारे तकरीबन खराब हैं, आउट ऑफ फॉर्म है। ये देखिए आप, यहाँ पर पानी मत पीजिए और यहाँ पर इस वाटर कूलर की व्यवस्था देखिए, कंडीशन देखिए, और आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी के ढेर, ये यहाँ पर काई जम चुकी है। और ये वाटर कूलर की आप देख सकते हैं लाखों रुपया खर्च करा है जनाब। आप देख सकते हैं गर्म पानी निकल रहा है, एकदम कड़क पानी और गंदगी का ढेर यहाँ पर। इसको जल्द से जल्द आके दुरुस्त करे जनाब। पार्क में लोग सैर करते हैं, उनको पीने के लिए पानी चाहिए। यहाँ पर देखिए कितना गंदा और गर्म पानी है, एकदम गर्म पानी। चलो शुक्र है कि पानी तो आ रहा है। और भी आपको वाटर कूलर दिखाने की कोशिश करेंगे, लगा रखे हैं सरकार ने। आप स्मार्ट सिटी बाद में बनाइए, पहले इन वाटर कूलर को दुरुस्त कीजिए, साफ़ सफाई कीजिए। लोगों को गर्मी लगेगी और पानी की तरफ भागेंगे और पानी नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे जनाब, किसको बोलेंगे। और वाटर कूलर आपको दिखाएंगे, एक और वाटर कूलर। ये त्रिकोटा नगर का दृश्य है, सामने आप देख सकते हैं त्रिकोटा दृश्य है और ये काफ़ी बड़ा पार्क है। हमने कहा चलो आपको आज जो वाटर कूलर पार्कों में जगह जगह लगा रखे हैं, देखिए वही सेम कंडीशन, जर्जर कंडीशन वाटर कूलर लगा रखे हैं, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है जनाब। ये आप त्रिकोटा नगर का क्षेत्र है, यहाँ पर शुद्ध जल जो मशीनें लगा रखी हैं, आइए देखते हैं इनमें पानी है या नहीं है। अभी तक इनमें एक भी बूंद नहीं आई जनाब, ये कब आएगी ये तो हम नहीं जानते जनाब। ये त्रिकोटा नगर का क्षेत्र है, ये छन्नी का जो शमशान घाट है उसके सामने का ये दृश्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाटर कूलर लगा हुआ है, ये प्यास, यहाँ पर अपनी प्यास बुझा सकते थे, लेकिन इसको लॉक लगा के रखा हुआ है। पानी का नल यहाँ पर नहीं है, पहले ये चलते थे लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं चलते। जब आपने जनाब इतना लाखों रुपये खर्च करा लेकिन पानी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। सामने शमशान घाट है, ये आप दृश्य देख सकते हैं, लेकिन पीने वाला जो पानी है उस टंकी में पानी है ही नहीं। खतरनाक गर्मी चल रही है, भीषण गर्मी कह सकते हैं आप। और इसके बाद और आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, लेकिन इनको दुरुस्त करें फटाफट जनाब। यहाँ पर पानी पीने आए थे जनाब, आप यहाँ पर पानी पीने आए, देखिए पानी है इसमें नहीं है सर। फिर ये लगा क्यों रखे हैं सर, ये देखिए पानी की एक बूंद भी नहीं निकल रही। लाखों खर्च किया है लेकिन जनाब पीने के लिए पानी नहीं है। बाहर इतनी गर्मी है, इस शख्स ने नलका दबाया और एक एक ड्रॉप करके पानी निकला। हम भी चेक करते हैं पानी, हम भी इधर से निकल रहे थे, हमने कहा चलो पानी पीते हैं, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं है। आपने लाखों रुपया खर्च किया है जनाब, पानी रखिए, स्मार्ट सिटी बाद में बनाइएगा, पहले पानी की व्यवस्था करिए, क्योंकि आज जो टेम्परेचर है वो 40 प्लस चल रहा है। इतनी गर्मी है, हर आदमी को गर्मी लगती है और पार्क में सैर वगैरह करते हैं लोग। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग बाहर भी मौजूद हैं, लोगों को पानी प्यास लगेगी, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है। इस वक्त हम गांधीनगर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर ये जो वाटर कूलर लगा रखा है, देखिए ये हॉस्पिटल के बाहर का दृश्य है, इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं है, क्योंकि इधर तो मरीज जब आते होंगे दूर दूर से, वो पानी जब पीने के लिए बाहर आते होंगे, तो इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं है। इसलिए अपील रहेगी प्रशासन से, इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें, क्योंकि गर्मियाँ भी बढ़ने वाली है, टेम्परेचर पारा बढ़ता जा रहा है, 40 प्लस चल रहा है, और आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ेगी। इसलिए सरकार से अपील रहेगी इस वाटर कूलर को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। ये देख सकते हैं आप, ये गांधीनगर का दृश्य है, बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर का ही। त्रिकोटा नगर जो पुलिस स्टेशन है उसके सामने ये शुद्ध जल टैंकी लगा रखी है, लाखों रुपये खर्च कर रखा है। यहाँ पर एक जनाब भी खड़े हैं, सर ये वाटर कूलर इंस्टॉल किया है कितना टाइम हो गया सर? सर एक साल से ऊपर हो गया अभी तक ये तो एक्टिवेट नहीं हुआ सर। कब हुआ था? एक साल हो गया। एक साल हो गया, और आप क्या सोच रहे कब आएगा पानी? पता नहीं सर, अभी तो कोई पता नहीं, डेढ़ साल हो चला है। तो गर्मी गर्मी कितनी पड़ रही है जनाब? सब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ये वाटर टैंक इसीलिए लगाया था पीने के लिए कि लोगों को सुविधा मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये देखिए ये जनाब कह रहे हैं, ये ऑटो स्टैंड के यहाँ पे चालक हैं, ये इनके
इन्होंने कहा यहाँ पर ये वाटर कूलर लगा रखा है, लाखों रुपये खर्च कर रखा है, लेकिन ये वाटर कूलर चलेंगे कब जनाब? पूरा सीजन तो खत्म होने वाला है, देखिए गर्मी, गर्मी का कहर। यहाँ पर आपने ये छन्नी का क्षेत्र है, साथ में मंदिर भी है। यहाँ पर ये जो वाटर कूलर लगा रखे हैं इसलिए गर्मी, देखो इतनी ज़बरदस्त गर्मी है ना कि हर आदमी को प्यास लगती है। मंदिर से जब बाहर निकलेगा पानी चाहिए होता है पीने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो वाटर कूलर लगा रखे हैं सिर्फ मात्र शो पीस बनकर रह चुके हैं, क्योंकि इसमें भी पीने के लिए पानी नहीं है। सेक्टर 7 है छन्नी का, छन्नी की तरफ ग्रेटर क्लास सनी कॉलोनी की तरह रास्ता मुड़ता है मंदिर के साथ ही ये फ्रिज लगा हुआ, लेकिन पानी इसमें भी बिल्कुल नहीं है। आपको नल भी दिखा देंगे, एक भी बूंद पानी की नहीं है। ये सेक्टर 3 है सनी की छन्नी का, देखिए धूप देखिए आप, इतनी ज़बरदस्त तेज़ धूप है। और ये वाटर टैंकर लगा रखे हैं पीने के लिए पानी, लेकिन ये इनकी भी वही हालात, पीने के लिए एक भी बूंद नहीं। अभी मुझे भी सच में बोल रहा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन पीने वाला जो पानी है इस नल में भी नहीं है। सर सेक्टर 3 है, आप देख सकते हैं आसपास लोग काम भी करते हैं साहब, देखिए। और आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में पीने वाला पानी यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर मंडी लगती है त्रिकोटा नगर साई पैलेस के सामने, ये रास्ता बीजेपी की तरफ की रास्ता वहाँ पर आता है। ये देखिए यहाँ पर वाटर कूलर लगा रहा है, फिर कंडीशन चेक कर सकते हैं। जब आपने जनाब लाखों रुपये खर्च कराए और इसको आप दुरुस्त करिए, फटाफट से आके इसको ठीक करिए कि आपका दायका बनता है, कि आप कंडीशन दे सकते हैं। वाटर मेटर चल रही है, यहाँ पर मंडी भी लगती है, लेकिन पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं। ये गांधीनगर हॉस्पिटल के बाहर वाटर कूलर तो लगा रखे हैं, लेकिन ये इंस्टॉल किए हुए कम से कम भी छः महीने के एक साल हो गया, लेकिन ये अभी तक नहीं चल रही। ये गांधीनगर का दृश्य है, आप देख सकते हैं ये नहीं चल रही, एक साल हो गया इनको इंस्टॉल करे हुए। प्लीज़ सरकार से अपील रहेगी, जम्मू स्मार्ट सिटी बाद में बनाइए, पहले इन जो वाटर कूलर लगे हुए हैं, वाटर टैंकर लगा रखे हैं जगह जगह, लाखों रुपया खर्च कर रखा है जनाब, उनको जल्द से जल्द आके दुरुस्त करें, क्योंकि मई महीना चल रहा है, इसके बाद जून आना बाकी है जनाब, इसके बाद जुलाई भी आएगा, काफ़ी उमस भरे दिन भी आने वाले हैं। और इस समय जो टेम्परेचर है वो 40 प्लस चल रहा है, और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, गर्मी जनाब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार से अपील रहेगी फटाफट आकर वो जितने भी वाटर कूलर हमने आपको वीडियो दिखाए, कुछ गांधीनगर में हॉस्पिटल के बाहर भी था, कुछ छन्नी क्षेत्र में भी दिखाए, एक शमशान घाट के बाहर भी था, उनको जल्द से जल्द तक दुरुस्त करें, ताकि जो आने वाले यात्रु हैं, जो भी आने वाले लोग रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उनको पीने के लिए पानी तो मिले जनाब। ये सारा दृश्य आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा, आगे भी बने रहें रफ्तार जम्मू के साथ। जय हिंद।